जी हाँ, और हल्का सा एंगल भी दे दिया था उसको इते हुए। वाइड, एक और पॉइंट भारत के नाम। फाइनल सिंधु के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखें तो शायद सबसे टक्कर वाला ये मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो आखिर में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एक और पॉइंट गो के नाम। मैं कहूंगी फिर से एक ब्रीदर लेके सोच के ये रैली खेलनी होगी। ओहो, एक और पॉइंट मलिक। स्कोर बोर्ड में एक पल के लिए ऐसा लगा, लेकिन नहीं, उसे दुरुस्त कर दिया गया। 19-19 की बराबरी। बहुत ही बढ़िया वापसी की है गो ने, अद्भुत वापसी की है। अद्भुत रैली और आउट ऑफ पोजीशन किया बहुत ही खूबसूरती के साथ सिंधु का ये स्मैश। फिर से गोजिन में ने अपना स्लाइड। पीवी सिंधु के पास एक समय 7 पॉइंट की लीड थी और एडवांटेज यहां सिंधु के पास। 21-20 चार्ज होके खेल रही है अभी सिंधु, और इनको यही बना के अगला पॉइंट। और इसके साथ ही पहला गेम भारत की पीवी सिंधु के नाम। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने गो को पराजित किया और ऐसा लगा। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। कभी कभी संजय हम हल्का सा रिलैक्स हो जाते हैं। गो इस तरह की वापसी करेंगी। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। कभी कभी संजय हम हल्का सा रिलैक्स हो जाते हैं जब हमारे पास बड़ा लीड रहता है। इस बार सिंधु के पास 7 पॉइंट्स का लीड था, और लेकिन हमें तारीफ करनी होगी गो जिनवे की, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया। आई थिंक इसमें हम कह सकते हैं कि सिंधु का एक्सपीरियंस, उनकी लेवल, जिस लेवल पे वो खेलती है, वो डेफिनेटली इस बार मैटर किया। बिल्कुल, चलिए इन सब की जो अटकी हुई सांस थी वो एक बार। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। कभी कभी संजय हम हल्का सा रिलैक्स हो जाते हैं जब हमारे पास बड़ा लीड रहता है। इस बार सिंधु के पास 7 पॉइंट्स का लीड था, और लेकिन हमें तारीफ करनी होगी गो जिनवे की, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया। आई थिंक इसमें हम कह सकते हैं कि सिंधु का एक्सपीरियंस, उनकी लेवल, जिस लेवल पे वो खेलती है, वो डेफिनेटली इस बार मैटर किया। बिल्कुल, चलिए
इन सब की जो अटकी हुई सांस थी वो एक बार 6-6 से बराबर दोनों सिंधु रेडी रही, अच्छा ड्रिबल था लेकिन गो का उसे काउंटर ड्रिबल किया बिल्कुल नेट के नजदीक, मुस्तैद थी सिंधु। गुड जजमेंट, बहुत ही क्लोज था मेरे ख्याल से संजय, क्लोज था एकदम दिखाई दिया। आइडिया तो बहुत बेहतरीन थी गो की, अब देख सकते डिसेप्टिव अनफॉर्चुनेट नेट के उस पार नहीं गया। बिल्कुल कई बार इस तरह के मौके आते हैं। और इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी सिंधु ने। सत्रह बारह बल्कि एक पॉइंट और, यानी कि जीत की बिल्कुल दहलीज पर पीवी सिंधु। अगर इसमें बेहतर, हम आप सभी को एक बार फिर याद दिला दें, रोहित टोकस भारत के वेल्टरवेट बॉक्सर राउंड ऑफ 16 में अब से कुछ ही देर बाद एशिया को, सिंधु आज कतई अपने आप से खुश नहीं है। बहुत ही बेहतरीन डाउन द लाइन स्मैश, कोई चांस नहीं दे रही गो जिनवेई को, पूरा अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रही है सिंधु। साथ ही में गो जिनवेई छोड़ नहीं रही है अभी तो। 16-20 एकाग्रता की जरूरत है सिंधु को। इस बार खाली मैदान, और इसके साथ ही भारत ने यह दूसरा मैच जीत लिया 21-17 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट था यह मैच भारत को जीतने के लिए, सिंधु ने फिर से दिखा दिया। भारत और मलेशिया के बीच ये एक्शन जारी रहेगा, सोनी 10-4 पर, सोनी 6 पर और सोनी लिव पर, लेकिन हम यहां पर बॉक्सिंग लेकर के आएंगे तेजस टोकस की, और वेल्टरवेट का ये बड़ा मुकाबला होगा भारत के नजरिए से। रोहित टोकस हॉल नंबर 4 में राउंड मिक्स टीम इवेंट का ये स्कोर है इस समय 22।